भाई इस साल बिग बॉस को हुआ क्या है? बिग बॉस एकदम कट टू कट खेल रहे हैं, मतलब कोई टाइम वेस्टेज नहीं। उनको समझ में आ चुका है कि ऑडियंस को अब एंटरटेनमेंट फटाफट चाहिए, जिसके वजह से कन्फेशन रूम में बुला करके वन बाय वन एक एक करके सबकी क्लास ली गई। और वो जो हर साल चलता हुआ आता था ना कि हम जो भी कर रहे हैं आपको पर्सनली नहीं लेना है, हम लोग बस ऐसे ही कोई ना कोई नाम तो लेना था, अभी फर्स्ट वीक ही है, ये सारी चीज खुद ब खुद बिग बॉस ने कह दिया कि ये सारे रीजन के साथ में कोई नॉमिनेशन नहीं चाहिए, सीधा आओ नॉमिनेट करो और चले जाओ। उसके बाद भी जिन जिन लोगों ने सिर्फ सॉरी शब्द का इस्तेमाल किया उनको उठा करके लगा दिया काम पे, मतलब भाई पनिशमेंट है, सॉरी क्यों बोला भाई। मुझे लगता पिछले साल की टीआरपी को नजर में रखते हुए इस साल फुल ऑन तगड़ा काम किया गया है कि हमें और ऑडियंस का टाइम वेस्ट नहीं करना, फटाफट से यार अवतार में आओ, लोगों को अपना असली रूप दिखाओ और सही वाला गेम खेलो यार। और बिल्कुल ऐसे ही अभी चलने वाला है। सो आप देख रहे थे मिस्टर जीरो शो, मैं हूं मिस्टर जीरो, और इस वीडियो में बात करूंगा कि आज के एपिसोड में खास क्या था, क्या क्या मेन हाईलाइट थे, या फिर जिसके ऊपर मैं चर्चा करना बनता है उसी बारे में बात करूंगा। तो चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबाओ और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। किचन के अंदर जो शिव का आर्गुमेंट था ना, वो आर्गुमेंट मुझे भी ऐसा लगा कि वो बहुत ही गलत तरह से पोर्ट्रे कर रहा था और सामने वाले को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। जी हाँ, साजिद खान को यहाँ पे दो चमचे मिल गए हैं, जिसमें से एक खिलाफ जा चुका है जो कि शालिन है। उसने नॉमिनेशन में सीधा साजिद खान का नाम दिया और उसके पीछे का जो रीजन दिया वो भी बताऊंगा। लेकिन अभी बात कर रहा हूँ शिव की, कि साजिद खान ने अपना खाया हुआ बर्तन रखा तो उसको धोने की बारी आई, तो वहां पे जाकर के ये भाई साहब धो रहे थे और उसको बहुत अलग तरह से प्रोजेक्ट कर रहे थे, जो कि मैं शिव के बताए गए चीजों में बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। और मुझे प्लीज कोई बताओ कि किस हिसाब से अब्दू का नॉमिनेशन बनता है यार, उस बंदे ने किया ही क्या है, उल्टा तो वो सबको एंटरटेन कर रहा है, सबके दिल में धीरे धीरे छा रहा है, लेकिन उसको नॉमिनेट क्यों किया? वो कोई स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है इसलिए? मुझे नहीं लगता, अभी तक वो वाली बात नहीं आई है, लेकिन अभी जो है दिल में छाने वाली बात आई है, बंदा धीरे धीरे छा रहा है। अब्दुल रौजिक के बारे में आप क्या कहना चाहते हो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। इसके अलावा पूरे शो में सबसे ज्यादा बकवास अगर कोई कंटेस्टेंट है तो वो है अर्चना। अपनी वो क्या नाम है, एमएलए साहिबा कुछ तो थी, वो पॉलिटिशियन वगैरह है, अभी बोल रही है कि मुझे सबसे हॉट एंड सेक्सी पॉलिटिशियन बनना है। आप ज्वाइन करेंगी बहुत जल्दी? आप नहीं, कुछ और। इस बंदी को जो है ना टीआरपी के लिए फुल यूज किया जाएगा, लेकिन सही टाइम आते ही लात मार के बाहर निकाला जाएगा। अब आते हैं शालिन भैया के ऊपर में। शालिन भैया का कहना ये था नॉमिनेशन को लेकर के, जब उन्होंने साजिद खान को नॉमिनेट किया तो वहां पे उनका रीजन ये था कि आप उतने ज्यादा डिजर्विंग नहीं लगते। उनका कहने का कुछ अलग मीनिंग था उस वक्त में, मतलब जब वो सबके साथ में बैठे हुए थे, साजिद खान और भी पूरे ग्रुप के साथ में जब बैठे हुए थे, तब उनका कहना था कि उन्होंने जो साजिद खान को नॉमिनेट किया है वो मान्य सिंह ज्यादा डिजर्विंग है साजिद खान से, क्योंकि आपके पास तो सब कुछ है, आपको क्या जरूरत है, ये बोला, जो कि उस वक्त तक मुझे काफी सही लगा कि हाँ यार ये बंदे के लाइफ में और क्या चाहिए। ये बंदा आया है, इसको शो पे एक टाइम तक रखो जब तक इसका अपना सब कुछ क्लियर ना हो जाए। वैसे भी ज्यादातर आजकल तो शोज बोलो फिल्म बोलो सब अपने इमेज क्लियर करने के लिए आते हैं, तो इनको भी इमेज क्लियर कर लेने दो, उसके बाद से फिर शो से चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही शालिन को कन्फेशन रूम में बुलाया गया, बंदे का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू ही चेंज हो गया। और वो पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि भाई साजिद खान को देख करके नहीं लगता कि वो इंटरेस्टेड है। सबसे पहली बात, साजिद खान अपना फुल एफर्ट मार रहे हैं, लोगों के नजर में आने के लिए एंटरटेन करने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, हर बार जो है वो मौका नहीं छोड़ते हैं, किसी के भी साथ में हो वो अपना कॉमेडी वो अपना सटायर हर तरह से सामने रखने की पूरी कोशिश करते हैं। और देखा जाए तो उनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है अब्दुल रौजिक के वजह से, कि उनका ट्रांसलेटर बनकर के घूमना है तो और भी ज्यादा दिखोगे। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि साजिद खान के अंदर में कोई एफर्ट नहीं है, इस शो को लेकर के अच्छी खासी एफर्ट दिख रही है। हाँ, उनके अंदर में उन गरीबों जैसी पूरी हरकत दिख रही है जो कि शो में आते हैं शो जीतने के लिए, उसका प्राइज मनी के लिए और लोगों के नजर में पॉपुलर होने के लिए, जबकि ये सारी चीज साजिद खान के पास ऑलरेडी है। साजिद खान को सिर्फ एक मौका चाहिए नेशनल टेलीविजन के ऊपर में अपने सारे इल्जाम को क्लियर करने का। आई थिंक ये वाला मुद्दा क्लियर हो चुका है। अब आते हैं एमसी स्टैन के ऊपर में। एमसी स्टैन बोलो या फिर सोशल मीडिया में जो भी लोग बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं, मैंने पहले ही कह दिया था वो लोग बिग बॉस में आते ही पूरा तरह से जिप एकदम खत्म हो जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी दिन बिग बॉस में जाऊं और मैं भी बड़बड़ बड़बड़ करता रहूं। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि वहां जाने के बाद माहौल पूरी तरह से चेंज हो जाता है, क्योंकि आपके सामने में एक बहुत अलग लेवल के स्टार्स होते हैं जिनके घर घर में एक अलग पॉपुलैरिटी है। आपका सोशल मीडिया का पॉपुलैरिटी जो है वो तो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके हाथ में फोन है, लेकिन जो लोग घर पे बैठ के टीवी देखते हैं विद फैमिली, उनके नजर में एक हीरो होना, उनके नजर में एक स्टार होना बहुत अलग चीज होती है। और उनका जो घमंड होता है, उनका जो एटीट्यूड होता है, उसके सामने में कोई भी दब जाएगा। लेकिन जिस तरह से स्टैंड ने बाहर में जाके एकदम भाई बोला था ना, वो एकदम पूरा सा दब गया है। आया आने के बाद में पहले 24 घंटे के अंदर में एक रैप सुनाया, उसके ऐसे नेक्स्ट 24 घंटा जैसे आया तो उसके अंदर में एक और रैप सुना दिया जो कि शायद वहीं पे बैठे बैठे लिख रहा था। मेरे भाई, वहां पे बैठ करके तू अपना लिखा पढ़ी मत कर, बाहर आकर के अपना रैप बनाना भाई, अंदर में जाकर के कुछ दिखा, वरना सोशल मीडिया वालों का एंट्री बंद हो जाएगा। क्योंकि लास्ट टाइम में ढिंचक पूजा आई थी, उसके बाद से हिंदुस्तानी भाव आए थे, उसके बाद से पता नहीं और भी बहुत सारे लोग आ सकते हैं। लेकिन जब बिग बॉस को ये पता चलेगा कि सोशल मीडिया में बड़बड़ करने वाले यहां पे आके मुंह बंद हो जाता है,
बत्ती गुल हो जाएगी सबकी। वैसे मैं मुद्दे से भटक गया हूँ, मुद्दा यह है कि एमसी स्टैंड जो है वो तो चुप हो चुका है घर के अंदर में, साथ ही साथ जब भी वो मुंह खोल रहा है कुछ भयानक ही बोल रहा है। मतलब उसके गले में तीन ऐसे मैंने देखे है कुछ, भाई पता नहीं ये रैपर लोगों का क्या है, बड़ा बड़ा सा चेन वेन डाल करके, चेन मतलब ऐसा लगता है साइकिल का चेन डाल के घूम रहे। तो भाई यहाँ पे भी वही चीज देखने को मिला है कि भाई साहब के गले में तीन है, एक में सॉल्ट लिखा हुआ है शायद, और एक में पता नहीं सॉल्ट है या स्टैंड, मैंने अभी तक ध्यान नहीं दिया है क्योंकि उसके ऊपर मैं कैमरा ही नहीं जा रहा ज्यादा। उसके बाद से एक में हिंदी लिखा हुआ है। अब ये वाला जो पहन करके बैठा था, उसकी लेने के लिए मस्त सामने में बैठा हुआ था वो टीवी वाला ऋतिक, उसका नाम अभी तक याद नहीं आ रहा, आप लोगों को याद है कमेंट सेक्शन पे जाकर के बताओ। तो उस बंदे का कहना था कि ये जो गले में पहन करके रखा है क्या है, एग्जैक्टली कितने का है और किस चीज का बना हुआ है ये। तो भाई भाई साहब का कहना था कुछ IBS करके कुछ तो था, भाई अपन भी उतने जानकार वाले नहीं है कि वो क्या चीज होता है। देखो मुझे प्लैटिनम तक पता है व्हाइट गोल्ड जैसा, लेकिन भाई ये भाई साहब बता रहे कुछ अलग चीज है। तो भाई जब उसने अपना प्राइसिंग बताया और बोला कि घर पे एक और पड़ा हुआ है जो कि 1.5 करोड़ का है, तो फिर उससे पूछा गया तू वो पहन करके क्यों नहीं आया, तो बोलता वो मैं लेके नहीं आया, पर ये जो तीन है ना इसमें से अगर मैं 2 बेचेगा तो एकदम मस्त मर्सिडीज आ जाएगी। उसके रिप्लाई में टीना दत्ता कहती है कि फिर तू ऐसे पहन के घूम क्यों रहा है, तुझे ही जमा कर लेंगे तो काम बन जाएगा। बोलती है काम कर, हम लोगों में से कोई भी तुझे नॉमिनेट नहीं करेगा, बस तू यहाँ से बाहर जाने के बाद जो है ना ये चेन हम लोगों को दे देना, एकदम कड़क बोलती है। पता नहीं यार कंटेस्टेंट के अंदर में कुछ अलग चीज देखने को मिल रही है, खुल करके बोल रहे कि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए आए हैं, सेकेंडरी हमारा फेम होना है, पैसा तो पहले मिलेगा उसके बाद से जो है नाम शोहरत कमाने के लिए आए हैं। दूसरी एक बेस्ट चीज इस सीजन में अभी तक, मतलब 48 घंटा हो चुका है इस शो को एयर किए हुए, तो इस 48 घंटे के अंदर में मैंने एक चीज नोटिस किया है कि इनमें से कोई भी अभी तक फाउल लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं किया है। आई थिंक एमसी स्टैन को जो है छोड़ देना चाहिए इस मामले में, क्योंकि उसने अपने रैप के अंदर में दो बार जो है फाउल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। सो देखा जाए तो भाई जितने भी कंटेस्टेंट है वो लोग उस तरह की गाली नहीं दे रहे। वैसे मुझे उम्मीद है साजिद खान से और एमसी स्टैन से ये दोनों जो है दमदार गाली दे सकते हैं, अगर इनकी सन की झगड़ा की है उसके बीच में गाली दे सकते हैं। लेकिन फिर भी साजिद खान जो है मुझे अभी बहुत ज्यादा मच्योर बिहेव करते हुए दिख रहे हैं कि उनकी जो सोच है वो सारी चीज बदल गई है, और वैसे भी उनकी लास्ट इंटरव्यू कुछ इस तरह से थी, तो मैं अभी एक्सपेक्ट उतना नहीं कर रहा हूं। लेकिन फराह खान जिस तरह से गाली देती है सेट्स पे, तो उसके हिसाब से भाई साजिद खान तो भाई फाड़ देगा। तो क्या लगता है आपको, आप बताओ इस एपिसोड में आपको क्या खास लगा, जो भी चीजें मैंने बताई है क्या उन सभी चीजों से आप एग्री कर रहे हो। एंड बाय द वे प्लीज सपोर्ट अब्दुल रौजिक। एक मिनट यार, वीडियो एंड करने से पहले एक चीज कहना चाहता हूं, अब्दुल रौजिक के साथ में ये मजाक करना प्लीज यार बंद कर दो। लोग नहीं होता है ना ट्विटर पे जाकर के सोशल मीडिया पे जाके #StopMisbehavingWithAbdulRauzik ऐसा लिखो, क्यों मालूम है, क्योंकि उसको टीना दत्ता प्रपोज कर रही है, उसके अलावा जो है शिव उसको छेड़ रहा है। ये छेड़खानी अभी स्टार्टिंग में है, एंड ट्रस्ट मी अब्दुल रौजिक इट्स जस्ट लाइक अ डार्लिंग। वो बंदा जो है ना इतना पोलाइटली बात कर रहा है, हर किसी के साथ में ऐसे हाथ जोड़ करके बोल रहा है, हर किसी के साथ में एकदम कहते हैं ना ओवर शुगर कोटेड होकर के बात कर रहा है। इसका रीजन पता है क्या है, उसको एक चीज पता है मुझे यहाँ का लैंग्वेज नहीं पता है, उसी चीज उसको पता है कि मैं बाहर देश में हूं और यहाँ पे मैंने कुछ भी किया तो पूरा नाम खराब होगा अपने कंट्री का, तो वो सारी चीज को मेंटेन करते हुए चल रहा है। पता है उसने अपने डंबल कितने प्यार से मंगाया, 2 kgs 3 kgs प्लीज बिग बॉस ऐसे करके वो मंगवा रहे, और यहाँ घर के अंदर में क्या चल रहा है, लव यू सोना वगैरह चल रहा है। प्लीज ये बंद करो, क्योंकि यहाँ पे जो भी होने वाला वो तो रियल में होने वाला नहीं है। वैसे ही उसकी लाइफ देखा जाए तो रिलेशनशिप के मामले में जहां तक मुझे लगता है, मैं कोई जज नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके हिसाब से वो जो है उसके हिसाब से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला, और उसके बीच में अगर कोई इस तरह से खेल जाएगी ना भाई बहुत गंदा लगेगा। तो प्लीज यार इस तरह का जो है फालतूगिरी करना बंद कर दो। तो आप लोग अगर हो सके तो कोई भाई जा करके हैशटैग चलाओ, एंड प्लीज प्लीज सपोर्ट अब्दुल रौजिक। ये मेरे दिल से है कि भाई मैं अब्दुल रौजिक को बहुत ज्यादा लाइक कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों उसकी स्माइल में जो एक अलग सी पॉजिटिविटी है, उसके अलावा जब वो आता है ना उसका प्रेजेंस ही बहुत ही गुड फील करवाता है, और सच बताऊं तो उसको देख करके ही चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो जिस तरह से शिव को धमकी दिया चाकू उठा करके कि डोंट टॉक मी लाइक दिस, इस तरह से बोला ना उसने, मुझे बड़ा मजा आया कि भाई बंदा गुजर देना चाहिए था साले को। तो भाई इस चीज को लेकर के कुछ कर सकते हो तो करो। दैट वॉज माई ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस एपिसोड। व्हाट्स योर टेक प्लीज डू कमेंट। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।